खेल निर्देशालय देहरादून के तत्वावधान में पहली बार बागेश्वर में अंडर 17 खिलाड़ियों की राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर, अल्मोड़ा, गोपेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़ तथा बागेश्वर के कुल 75 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। प्रथम बार बागेश्वर में राज्य स्तरीय अंडर 17 ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, इसमें पूरे प्रदेश से 9 जनपद प्रतिभाग कर रहे हैं। लगभग 80 बालक बालिकाओं ने इसमें भाग लिया। इस प्रतियोगिता से हमारी राज्य की टीम चयनित हो रही है, जो बेंगलोर में 5 दिसंबर से 8 दिसंबर तक आयोजित होगी, उसमें प्रतिभाग करेगी। और विशेष तौर से बागेश्वर में ताइक्वांडो का बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है, इसलिए हमने सोचा कि इस बार इस टूर्नामेंट को यहाँ आयोजित किया जाए। राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ियों में खासा उत्साह देखने को मिला। प्रतियोगिता में विभिन्न जिलों के 10 बालिकाओं और 10 बालकों ने स्वर्ण पदक झटक प्रथम स्थान हासिल किया। बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के मिला के 15 गोल्ड मेडल हैं, और अभी आने वाली अगले महीने आने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हम सब भाग लेंगे और मैं भी सीनियर में प्रतिभाग करूँगा। इसमें हमारे पिथौरागढ़ से 8 बॉयज एंड 8 गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया। इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट से 9 गोल्ड हैं और उसमें मेरा भी गोल्ड मेडल है। प्रतियोगिता में 12 स्वर्ण पदक लेकर बागेश्वर प्रथम स्थान, 3 स्वर्ण लेकर देहरादून द्वितीय और 2 स्वर्ण पदक लेकर अल्मोड़ा तीसरे स्थान पर रहा। बता दें कि इस प्रतियोगिता के बाद राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए राज्य की ताइक्वांडो टीम तैयार हो रही है, जो कि बेंगलोर में आगामी 5 दिसंबर से 8 दिसंबर में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। बागेश्वर से जगदीश उपाध्याय, पंजाब केसरी टीवी।